सेठ धर्मदास प्लॉट नंबर 72 करेक्ट यही जगह। रामू देखो कौन है। कौन? नमस्कार। आहा, परले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है शाम जादूगर। 1 2 9 11 ये लीजिए साहब शाम जादूगर का कमाल। आओ भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लीजिए 2 लाख का चेक अनाथ आश्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आप जैसे दयालु लोग ना हो तो अनाथ बच्चे भूखे मर जाएंगे। धन्यवाद सेठ जी धन्यवाद। बैठो। कल मेरे बेटे बंटी का जन्मदिन है। अच्छा। उस खुशी में मैंने एक पार्टी रखी है। हाँ। उस पार्टी में अगर तुम्हारा जादू का शो हो जाए तो बच्चे बहुत खुश होंगे। अच्छा। पैसे कितने लोगे? अरे सेठ जी जो जी में आए दे दीजिएगा। बच्चे खुश तो मैं भी खुश। हाँ बच्चों के लिए तो मैं कुछ 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 भी कर सकता हूँ। वाह क्या खूब कहा। हाँ। हेलो सेठ धर्मदास बोल रहा हूँ। आपका बेटा हमारे कब्जे में है। क्या बकवास करते हो? बंटी तो स्कूल गया है। मैं कैसे मान लूं कि बंटी तुम्हारे पास है? यकीन नहीं आता तो उससे बात करो। हाँ बात करो। हाँ बेटे बंटी बेटे तुम घबराओ मत तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटे बेटे तुम कहाँ हो? कर ली बात। अगर 20 लाख रुपया हमें नहीं मिला तो हम उसे जान से मार डालेंगे। 20 लाख रुपया तक पहुंच जाएगा लेकिन बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे कुछ नहीं होगा लेकिन बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बात पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। रुपया कहां पहुंचाना है? पुरानी हवेली के पीछे पहुंच जाएगा। क्या बात है साहब? किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। वो कहते हैं उसे जान से मार देंगे अगर 20 लाख रुपया ना दिया तो। 20 लाख? नहीं तो बच्चों को जान से मार देंगे। चाबी चाबी कहां है? चाबी तो शायद बड़े सेठ जी लेकर दिल्ली चले गए। ओ गॉड मेरे बेटे का क्या होगा? बंटी। अरे अरे सेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये तिजोरी ऐसे नहीं खुलने वाली। हाँ वो तो ठीक है लेकिन इस तिजोरी को तो मैं 1 मिनट में खोल सकता हूँ। खोल सकते हो? हाँ हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा। हाँ ये देखिए ये ए खुल गई तिजोरी। ये लीजिए सेठ जी आपकी तिजोरी खुल गई। बैग लेकर आओ अब मेरा बंटी बच जाएगा। हे भगवान। अरे ये क्या कर रहे हैं आप सेठ जी? आप तो बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। आप जल्दी पैसे लेकर जाइए और अपने बेटे की जान बचाइए। जल्दी करो। ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं सेठ जी कल दे दीजिएगा। कल शो के बाद जो जी में आए दे दीजिएगा आप। लेकिन कल 5 बजे जरूर आ जाना। हाँ हाँ 5 में 5 कंपे में यहाँ टच कर जाऊंगा। हाँ। आप तो अभी जल्दी जाइए और अपने बेटे को लेकर आइए। जाओ भैया जल्दी जाओ। जाइए सेठ जी जाइए। हाँ जाइए जाइए। चले गए सेठ जी और तिजोरी खुली छोड़ गए। अरे सेठ जी आप तो ऊपर फोटो में बैठे हैं नीचे आपकी दुकान खुली हुई है। बाकी बातें मैं वापस आने के बाद कर लूंगा ठीक है। माफ कर दीजिए। Have a nice flight. Thank you. Call for Thai International DG. Good evening. Good evening. Can I have your passport, please? Sure, sure. मेरा पासपोर्ट? लगता है वो लड़की मेरा पासपोर्ट मार गई। उसे फौरन पकड़ो जाओ। लड़की तो नहीं आई? लड़की? कौन सी लड़की? एक जेब कतरी जिसने हमारे साहब का जेब काटा है। नहीं नहीं यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं आई। हम्म।
जा रही है बेटी? माँ जी वो मैं वहां वो लोग झूठ बोल रहे हैं माँ जी। झूठ वो नहीं, झूठ तू बोल रही है बेटी। ये जानते हुए भी आपने मुझे बचा लिया। चेहरे से तो तू शरीफ घराने की लगती है, फिर ऐसा काम क्यों करती है? मजबूरी है, आपके जैसे मेरी भी एक माँ है जो बीमार रहती है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए। अगर ऐसी बात है तो फिर तू नौकरी क्यों नहीं करती? मैंने कई बार ईमानदारी से नौकरी करके पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नौकरी देने वाले ने मेरी मजबूरी से ज्यादा मुझ पर नजर डाली। मेरी मां के इलाज के लिए मेरे पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं था माँ जी। तब तो तू कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी करके घर बसा ले। माँ जी अच्छा लड़का ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। मैं चलती हूँ। भगवान तुझे अच्छा सा वर दे, मेरा आशीर्वाद है। पीछे हटो भैया। ए भैया ए जरा पीछे हटो, अंदर जाने दो। हाँ अंदर जाने दो, पीछे हटो, जाने दो, जाने दो। तुम कहाँ जा रहे? अरे यार अंदर जाना, आप कमाल कर रहे हैं। मेन आइटम को रोक के रखा हुआ है तुमने। अच्छा, सेठ जी ने बुलाया हमको। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ सेठ जी ने बुलाया। बताइए इतनी सारी भीड़ इकट्ठा है हमारे लिए, हम ही को रोक रहे हैं। हाँ आ गए हम आ गए। बताइए मुख्य कलाकार को ही बाहर रोक रहे हैं, ये क्या? बच्चों की पार्टी की जगह पुलिस पार्टी। मैं उस कमरे में। अरे भैया सुनो, सेठ जी कहाँ है? हमारे बंटी कहाँ है? ए, कौन है आप? कहाँ से आए? चल भाई, चल भाई। अरे जब काम था तो बुला लिया, अभी अभी बाहर निकलने को बोल रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब देखिए देखिए जरा देखिए, काम हो गया तो कहते हैं बाहर जाओ। बच्चे एक बात सुनो, सेठ जी तो कह रहे थे कि पुलिस वालों को कानो कान खबर नहीं होगी, फिर आप लोगों को कैसे पता चल गया? लेकिन सर लगता है ये काम किसी एक्सपर्ट का है। अरे बिल्कुल एक्सपर्ट का साहब, और वो एक्सपर्ट हम हैं, हम। हाँ अरे भाई ए, ए, क्या कर रहे हो? हाँ काली तिजोरी की फोटो लोगे या खोलने वाली की भी? तुम ठहरो, हम जाते हैं वहां। हटो भैया हटो हटो, अमा हटो यार हटो, सब लोग आ जाते हैं क्रेडिट लेने। हाँ हाँ एक एक इधर से भी लेना भैया, ये तिजोरी के साथ हमारा एक बोज ऐसे आना चाहिए। हाँ। तो ये तिजोरी तुमने खोली थी? और नहीं तो क्या, आपने खोली थी? अरे इतनी मुश्किल से तो हमने ये तिजोरी खोली है, किसी और का फोटो लिए जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ऐसी आवाज आई थी जब हमने ये तिजोरी खोली, जब हमने ये तिजोरी खोली थी बिल्कुल ऐसी आवाज आई थी। हाँ लेना। तुमने ये तिजोरी क्यों और किसके कहने से खोली? अरे साहब हमने ये तिजोरी अपने बंटी को बचाने और सेठ धर्मदास के कहने पर। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने कब कहा था तुमसे? अरे बीच में काय को बोलते हो भाई, हम तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सेठ धर्मदास। शेर धर्मदास, इस घर का मालिक मैं हूँ। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। आप शेर धर्मदास जी? और सेठानी रो रही है, और तिजोरी खाली। अच्छा तो हम चलते हैं। गोपाल गोपाल। अरे माँ जी आप। बेटी तेरी दोस्त शाम को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस? हाँ बेटी, उसे जमानत देकर छुड़ाना होगा, पर ये मत कहना कि मैं आई थी। ये कुछ कंगन है, इन्हें बेचकर जमानत दे दे। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? ये कंगन आपकी बहू की कलाई पर खनकने के लिए हैं, बाजार में बिकने के लिए नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, शाम की जमानत का इंतजाम हो जाएगा, वो घर आ जाएगा। कितने दिन से बंद है यार? 7-8 दिन से। घबराओ मत, निकल जाएगा, निकल जाएगा। डोंट वरी बी हैप्पी। हाँ ए हाँ
चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत किसने दिया? उसने की, यहां दस्तखत की। गोपाल गोपाल आ गया मेरा दोस्त। हा 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 हा, अरे भाई दोस्त हो तो ऐसा हो। देखा इंस्पेक्टर साहब, बुरे वक्त में ही दोस्त काम आता है। अच्छा चल। ए, तेरी ऑटो कहाँ है यार? वो रिपेयर में गई। चल। अच्छा यार, तूने कभी सोचा तेरी इन हरकतों से माँ को कितनी परेशानी होती होगी? दरअसल तेरा 12911 जो है ना, ये हर वक्त प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ला खड़ा करता है। अरे मेरे दोस्त, प्रॉब्लम भी कभी बोल के आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब बोलना। देखा, घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं।